नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कॉर्पियन समेत नेवी की 6 पनडुब्बियों का सीक्रेट डेटा लीक। रक्षा मंत्री परिकर ने नेवी चीफ को दिए जांच के आदेश। फ्रांसीसी कंपनी से दस्तावेज लीक होने की खबर। पीएम मोदी के बाद अब पाक को अमेरिका की भी झिड़की। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर जताई चिंता। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने की नसीहत। शारदा घोटाले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी को जारी किया समन। सीबीआई और मामले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन ने लिया था नलिनी का नाम। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर जारी। पटना भागलपुर में बड़ा गंगा का जलस्तर। नेशनल हाईवे बना लोगों का आशियाना। एमपी के वाण सागर में छोड़ा जाएगा पानी। और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी साक्षी। बहादुरगढ़ लौटी साक्षी मलिक का सीएम खट्टर ने किया स्वागत। बोली टोक्यो ओलंपिक में जीतूंगी गोल्ड मेडल। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। रियो ओलंपिक में भारत का परचम लहराने वाले रेसलर साक्षी मलिक का भारत लौटने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। पहले दिल्ली फिर हरियाणा के बहादुरगढ़ पहुंचने पर साक्षी मलिक का स्वागत ढोल नगाड़ों के बीच किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर साक्षी के स्वागत के लिए कई मंत्री मौजूद थे तो बहादुरगढ़ में खुद सीएम खट्टर ने साक्षी का स्वागत किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया। इसके साथ इनाम के 2.5 करोड़ की राशि का चेक भी सौंपा। साक्षी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के कदम उठाए जा रहे हैं और यह राज्य देश में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बनेगा। पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के मानवाधिकार हनन के मामलों को उठाए जाने के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने मतभेदों पर शांतिपूर्ण तरीके और एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए काम करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, पीओके में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हमने अभी मानवाधिकारों की रिपोर्ट में इसका जिक्र कई साल तक किया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले स्कॉर्पियन समेत 6 पनडुब्बियों से जुड़े दस्तावेज और डाटा के लीक होने का खुलासा हुआ है। ये लीक विदेशी मीडिया के हवाले से हुआ बताया जा रहा है। इस वाकये के बाद नौसेना में खलबली मची हुई है। ये मामला पीएमओ तक पहुंचा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक इस मामले से संबंधित दस्तावेज एक फ्रांसीसी कंपनी से लीक हुए हैं। पर्रिकर ने कहा कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरह का डाटा लीक हुआ है। फ्रांस ने भी इस मामले की जांच का आदेश दिए हैं। जो डाटा लीक हुआ है वो स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का है जिसे फ्रांस के शिप बिल्डर DCNS ने भारत के लिए डिजाइन किया था। शारदा घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम को समन जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी के समन जारी करने का उद्देश्य उनसे पूछताछ करना है ताकि वो नलिनी का चिटफंड घोटाले के साथ संबंध में जानकारी एकत्रित कर सके। इससे पहले CBI ने इस घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में उनका नाम लिया था। गौरतलब है कि नलिनी का नाम ना ही गवाह है और ना ही आरोपी के तौर पर लिया गया है। शारदा समूह के मुख्य प्रबंधक निदेशक और घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन ने पूछताछ में नलिनी का नाम लिया था। उसने नलिनी का नाम एक समय सेबी द्वारा की जा रही एक जांच से बचाने के संदर्भ में लिया था। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर जारी है। मंगलवार शाम जहां औरंगाबाद के पुनपुन नदी में एक नाव पलट गई, वहीं बुधवार सुबह पटना के गांधी घाट पर जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। यहां जलस्तर 50.17 मीटर दर्ज किया गया है। पिछले 12 घंटे में वहां 7 सेमी जलस्तर बढ़ गया है। ये स्थिति सोन नदी के पानी का प्रवाह गंगा में होने से उत्पन्न हुई है। वहीं भागलपुर में गंगा का जलस्तर 34.62 मीटर दर्ज किया गया है। यहां पिछले रिकॉर्ड जलस्तर से गंगा 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुनपुन नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पुनपुन खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। उधर हाथीदह में जलस्तर स्थिर बताया जा रहा है जबकि पटना भागलपुर को जोड़ने वाली NH-80 उसके किनारे बसे लोगों का आशियाना बन गया है। लोग NH पर ही आसरा लिए हुए हैं।
पाकिस्तान के ऐतराज को नजरअंदाज कर भारत अब अफगानिस्तान को इस्लामिक आतंकवादियों से निपटने के लिए और अधिक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान की चिंताओं के बावजूद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले 15 सालों से भारत ने अफगानिस्तान की 2 अरब से ज्यादा के अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की है, मगर पाकिस्तान के साथ किसी तरह के टकराव को टालने के लिए वे अफगानिस्तान को हथियारों की मदद करने से परहेज करता रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कट्टरवादी तालिबान सरकार के गिरने के बाद पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने पहली बार अफगानिस्तान को 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने का ऐलान किया था। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए पीएम मोदी से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर सवाल किए हैं। संपादकीय लेख में बलूच नेताओं पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए पार्टी ने लिखा है, ऐसा भारत और मोदी का समर्थन करने पर हुआ है, तो क्या अब उन्हें मुक्त करवाने के लिए पीओके में सरकार सेना भेजेगी। बुधवार के अंक में शिवसेना ने लिखा है कि पीएम मोदी का समर्थन बलूच नेताओं को भारी पड़ रहा है, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा रहा है, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, अब मोदी क्या करेंगे, नेताओं को मुक्त करवाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में सेना घुसाएंगे या बलूच नेताओं पर होने वाले दमन के खिलाफ एक और भाषण ठोक कर उसका धिक्कार करेंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का नारा राष्ट्रवाद होगा, पार्टी इसी के सहारे चुनावी मैदान में कूदेगी। ये संकेत खुद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए। पार्टी की प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद पार्टी की पहचान है और इसे बनाए रखे। मंगलवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इसके लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि लोगों तक देशभक्ति का संदेश दिया जा सके। मोदी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सरकार के अच्छे कामों के बावजूद लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड का नारा होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे के साथ पार्टी राज्य के 12% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं के बीच जा रही है। पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को ये नारा रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जैसे युवा चेहरों को इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कमान दी गई है। इनके पीछे प्रमोद तिवारी, राजेश पति त्रिपाठी, भूधर नारायण मिश्रा जैसे पार्टी के पुराने ब्राह्मण नेता रहेंगे। तय किया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के ब्राह्मण नेता अपने अपने क्षेत्रों में गैर राजनीतिक मंच के जरिए पूरे राज्य में जिले में ब्राह्मण सम्मेलन करके ये नारा बुलंद करेंगे कि 27 साल बाद किसी दल ने हाशिए पर धकेले गए इस वर्ग की आवाज उठाई है। इसलिए अगर अब भी ब्राह्मण समुदाय नहीं चेता तो फिर आगे कभी कोई दल उनकी बात करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को कश्मीर के समाधान और गोरक्षकों के सम्मान पर संघ के नजरियों को लोगों के बीच स्पष्ट करने की लाइन दी है। कहा है कि कश्मीर मामले पर वे स्वयं कई बार अटल सरकार के प्रयासों को सराह चुके हैं। वही गौ सेवकों पर उठे सवालों पर न सिर्फ संघ बल्कि पीएम मोदी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। संघ प्रमुख ताज नगरी में 5 दिन के प्रवास के चौथे दिन 3 प्रांतों के 33 संगठनों के 236 शीर्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में भी अधिकांश कार्यकर्ताओं ने कश्मीर और पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारा गोरक्षकों के संबंध में दिए गए बयान के बाद उठ रहे सवालों पर संघ प्रमुख से प्रश्न किए, जिनका जवाब संघ प्रमुख ने दिया। केंद्रीय जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री उमा भारती ने कहा कि सूखे और अतिवृष्टि से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ का नेशनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें बुंदेलखंड को भी शामिल किया गया है। 3000 करोड़ विश्व बैंक को बाकी केंद्र सरकार देगी। इस योजना की रिपोर्ट 2 साल में तैयार होगी। बलूचिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पीएम ने पाकिस्तान को घुटने के बल बिठा दिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि जमीन का पानी जमीन और पाताल का पानी पाताल में रहे, इसी पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना में पहले बुंदेलखंड शामिल नहीं था, अब उनके प्रयास से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ यूपी के बुंदेलखंड को भी शामिल कर लिया गया है। रियो ओलंपिक से लौटी भारतीय एथलीट सुधा सिंह को स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्हें बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया दिया गया है। ब्राजील से लौटने के बाद उन्होंने बुखार और बदन दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका जीका वायरस का टेस्ट किया गया, लेकिन टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें स्वाइन फ्लू है। इस समय सुधा डॉक्टरों की निगरानी में है और वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। सुधा ने रियो ओलंपिक में भारत के लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में भारत प्रतिनिधित्व किया था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।
हूँ।